कल के फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लंदन से छपता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला देश में कोयले के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ बहुत लंबी रिपोर्ट छापी गई है और डेटा के साथ छापी गई है। और उसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में, या कहें 2014 से 2016 तक, जिन पे काफी चर्चा थी कि अदानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है, जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है, और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुँचता है तो समुद्र में चलने के कारण वो कोयला 2 करोड़ का हो जाता है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज्यादातर अदानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती हैं, वो और कहीं काम भी नहीं करती, उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अदानी साहब के साथ कर रही हैं, ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स के इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है, तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने सुने लगते हैं, मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अदानी ग्रुप ने की है उसका डेटा है, ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है।